अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थ्री के न्यूमेरिकल्स तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर थ्री डायनेमिक्स एंड न्यूमेरिकल्स थ्री पॉइंट वन अ फोर्स ऑफ ट्वेंटी न्यूट्रन मूवी विद एन एक्सलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क् वट इज इट्स मैथ So, एक ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स एक बॉडी को मूव कर रही है विद टू मीटर पर सेकेंड स्कोर एक्सेलरेशन के साथ तो so, उस बॉडी का मैस क्या होगा तो so, ये आपने फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं सो राइट डाटा सो आपको फोर्स गिवन है 20 न्यूटन Or acceleration given here two meter per second square and what you have to find that is mass. So write the solution.

टू इसको फर्दर कैंसल आउट करेंगे ट्वेंटी सो मैस आ जाएगा फाइनली टेन किलोग्राम क्लियर दिस इज द फाइनल मैस नाउ राइट द रिजल्ट मैस ऑफ द बॉडी इज टेन किलोग्राम क्लियर सो आई होप यू न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नाउ न्यूमेरिकल थ्री पॉइंट टू द वेट ऑफ अ बॉडी इज वन फोर्टी सेवन न्यूटन वट इज इट्स मैस एक बॉडी का वेट है वन फोर्टी सेवन न्यूटन तो उसका मैस क्या होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं सो राइट द डाटा फर्स्ट सो आपको वेट गिवन है डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल टू वन फोर्टी सेवन न्यूटन और आपने फाइंड आउट करना है मैस सो टू फाइंड mass is equal to question mark so write the solution so as we studied in our lecture that w is equals to mg or g which is a gravitational acceleration so g ki value is fixed and that is 10 meter per second square so g is equals to 10 meter से so, आपने क्योंकि मैथ को क्या कैलकुलेट करना है तो जी यहाँ मल्टीप्लाई तो ये जी यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा सो द फॉर्मूलामूले में वैल्यूज प्र हैं डब्ल्यू की वैल्यू है टेन तो so, जो फर्दर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा That M is equals to fourteen point seven kilogram. Clear, yeah. so write the result. So, mass of the body.

फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं so यहां पर आपको मैस किवन है विच इज टेन किलोग्राम क्योंकि बॉडी ने फॉल करना है दैट्स मीन यहां पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन एक्ट कर रहा होगा जी और इसकी वैल्यू होती है टेन मीटर पर सेकंड स्क्वेयर and what you have to find that is force okay so write the solution so as we studied according to newton's second law of motion that f is equals to So, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एड कर रहा है तो मैं इस एक्सलेशन की जगह पर मैं कर दूंगा G को, that is, Clear? So, इस फॉर्मुले को मैं यूज करके मैं फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं क्लियर सो so, इस फॉर्मुले में वैल्यूज प्र हैं एफ इज इक्वल टू मैथ है टेन किलोग्राम जी की वैल्यू होती है टेन मीटर पर सेकेंड स्कूल तो फर्दर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स हंड्रेड न्यूटन क्लियर सो दिस इज द फाइनल आंसर सो नाउ राइट द रिजल्ट so 100 newton force is required to prevent a body from falling clear आई so, होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा सो नो मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल सो नो द न्यूमेरिकल थ्री पॉइंट फोर फाइंड द एक्सेलेशन प्रोड्यूस बाई अ फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन इन अ मैस ऑफ फिफ्टी किलोग्राम सो अब एक फोर्स हंड्रेड न्यूटन की है और उस बॉडी का मैस फिफ्टी किलोग्राम है सो so उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो यह आपने फाइंड आउट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं यहां पर फोर्स गिवन है हंड्रेड न्यूटन की और मैस गिवन है फिफ्टी किलोग्राम एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड दैट इज एक्सेलरेशन सो हम यहां लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सो राइट द सॉल्यूशन अगेन बाई यूजिंग द सेम फॉर्मूलाशन फाइन करना है तो एम फर्द यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम सो इस फॉर्मुले में हम फर्दर वैल्यूज प्र हैं एज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है हंड्रेड न्यूटन और मैस आपको गिवन है फिफ्टी किलोग्राम सो फिफ्टी वन एंड फिफ्टी टू ज हंड्रेड सो आपके पास फाइनल एक्सोलेशन आ जाएगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्र ओके सो द एक्सेलेशन इज इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्र नाउ राइट द रिजल्ट 2 meter per second square acceleration produced. here okay. Now the next numerical 3.5. A body has weight 20 newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? A big body just weight hai 20 newton. और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट करने के लिए विद एन एक्सेलरेशन ऑफ टू मीटर पर सेकेंड बॉडी का वेट ट्वेंटी न्यूटन है तो आपको ट्वेंटी न्यूटन तो आपको फोर्स अप्लाई करनी ही पड़ेगी उस वेट को उठाने के लिए लेकिन आपने उसको अपवर्ड लिफ्ट करना है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्य आपको 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी फोर्स so, होगी so, so, जो कि एक्सेलरेशन की वजह से डिवेलप होगी और फर्दर हम उन दोनों को एडअप कर देंगे तो आपके पास टोटल नेट फोर्स आ जाएगी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं डाटा so, फर्स्ट weight is equals to 20 newton and the acceleration is equals to 2 meter per second square now how much force is required so to find so that is basically the net force okay फर्स्ट ऑफ ऑल वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस हो रही है और उसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मुला यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए तो आपको एक्सेलरेशन तो गिवन है लेकिन आपको मैस गिवन नहीं है लेकिन यहां पर हमें वेट गिवन है तो हम वेट से पहले हम मैस फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम फर्दर फॉर्मुला यूज करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सोल्यूशन

और जी की वैल्यू फिक्स होती है विच इज ग्रेविटेशन एक्सलेशन एंड दैट इज 10, सो टेन वन देन टेन टू जा सो आपके पास फाइनली मैस आ गया विच इज टू किलोग्राम क्लियर तो इस मैस के थ्रू अब आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं सो नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू एम ओके और इसमें फर्दर वैल्यूज पुट करते हैं मैस है टू किलोग्राम एक्सेलरेशन भी है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा फोर न्यूटन क्लियर यहां पर अब वो फोर्स आ गई जो एक्सेलरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी so, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेट फोर्स और नेट फोर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू फोर्स प्लस डब्ल्यू So ये फोर्स आपने कैलकुलेट की दैट इज फोर और वेट आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज ट्वेंटी सो फाइनल आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फोर न्यूटन दिस इज फोर्स नाउ राइट द रिजल्ट so 24 newton force is required to lift vertically upward

Tha. So, यहाँ पर बता दिया वेन बॉथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकलीट मीन को यूज करते हुए हम एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करेंगे और आपको दोनों मैसेज यहां पर गिवन है किलोग्राम एंड 48 एट किलोग्राम सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं मैस एम वन which is equal to fifty two kilogram and mass m2 which is equal to forty eight kilogram and what you have to find that is acceleration a and tension t first of all hum acceleration find curtainhem so write the solution So, जब दोनों मैसेज वर्टिकली हों तो इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू जी तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करें ए इज इक्वल टू एम वन की वैल्यू है फिफ्टी टू माइनस एम टू है फोर्टी एट डिवाइडेड बाई फिफ्टी टू प्लस फोर्टी एट और जी की वैल्यू आ जाएगी फर्दर टेन सो फिफ्टी टू माइनस फोर्टी एट इट बिकम्स फोर और फोर को जब फर्दर टेन से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स फोर्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड और फर्दर जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल एक्सल्रेशन आ जाएगा So, 40 divided by 100 and it becomes 0 0.4 meter per second square. Clear? So, this is the final acceleration. Now, we will find out the tension in the string. the formula is T is equal to 2 M1 M2 over M1 plus M2 into G. इस फॉर्मूले में फर्दर वैल्यूज पुट करते हैं। तो so, t इज़ इक्वल्स टू टू, म वन है 52, म टू है 48 डिवाइडेड बाय म वन आ जाएगा अगेन 52 प्लस म टू आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू होती है 10। तो so, फर्दर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 499 .2.